विधानसभा चुनाव के दौरान बाड़मेर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इस दौरान बाड़मेर की पुलिस लाइन स्थित मतदान केंद्र में एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हंगामा किया गया। इस पर वहां तैनात पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने समर्थकों को ऐसा करने से रोका। इसके बाद हंगामा बढ़ता गया और पुलिस के अधिकारी समझाइश करते रहे। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए समर्थकों को मतदान केंद्र से बाहर निकालकर मामला शांत किया। विधानसभा चुनावों के दौरान बाड़मेर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इस दौरान बाड़मेर की पुलिस लाइन स्थित मतदान केंद्र में एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हंगामा किया गया। इस पर वहां तैनात पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने समर्थकों को ऐसा करने से रोका। इसके बाद हंगामा बढ़ता गया और पुलिस के अधिकारी समझाइश करते रहे। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए समर्थकों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला, मामला शांत किया। दरअसल पुलिस लाइन में स्थित शहीद मंगनाराम राजकीय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान शाम को पुलिस के अधिकारी और जवान मतदाताओं को कतारबंद कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने प्रत्याशी का नाम बोलना शुरू कर दिया तो पुलिस अधिकारी ने उसे ऐसा करने से मना किया। इसके बाद बातचीत हंगामे में तब्दील हो गई और वहीं खड़े अन्य मतदाता युवक के पक्ष में पुलिस अधिकारी से बहस करने लगे। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और कई युवक हंगामा करते नजर आए। इस पर पुलिस अधिकारी ने हंगामा कर रहे युवकों को मतदान केंद्र से बाहर खदेड़ कर मामला शांत करवाया। शनिवार को बाड़मेर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कुछ एक स्थानों पर बहस की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन इससे मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। बाड़मेर के पुलिस लाइन में स्थित मतदान केंद्र में भी कुछ युवकों ने पुलिस अधिकारी से बहस करते हुए हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया।